मामला बिजनौर के धामपुर थाना क्षेत्र के ग्राम हकीमपुर शकरगंज उर्फ गावड़ी का है, जहां के रहने वाले लोगों ने धामपुर पुलिस को शिकायती पत्र सौंपकर बताया कि उनके गांव के दक्षिण दिशा में हम सभी के आम के बाग हैं, जिनमें फलदार वृक्षों की संख्या बहुत ज्यादा है। पूरा मामला बिजनौर के धामपुर थाना क्षेत्र के ग्राम हकीमपुर शकरगंज उर्फ गावड़ी का है, जहां चंद्रपाल सिंह, शीशराम सिंह, ऋषिपाल सिंह, बलदेव राम प्रसाद, मगन सिंह ने शिकायती पत्र दिया। आरोप है कि गांव निवासी राजीव और अंकित पुत्रगण संतराम और अमित पुत्र धर्मपाल ने अपने खेतों में जानबूझकर आग लगा दी। आग के विकराल होने के चलते हमारे आम के बागों में भी आग फैल गई। आग से लगभग 10 एकड़ जमीन में खड़े हरे भरे आम के पेड़ों को नुकसान हो गया। मामले के सूचना पर पहुंचे हल्का दरोगा विजेंद्र धामा और कांस्टेबल कुलदीप सिंह ने जांच में मामला सही पाया और इसकी रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को दे दी है और जांच करने की बात भी कही है। संजीव जी, कहां के रहने वाले हैं आप? अभी वाला गामड़ी, हकीमपुर से कर लेंगे। धामपुर थाने में तहरीर दी है आग लगाने की, आम के बाग में। क्या कुछ कहना है? कुछ पड़ोसी का खेत है, उन्होंने ही जानबूझ के आग लगाई है। तीनों हमारे गांव के व्यक्ति हैं, अंकित, राजीव और अमित। देखा आपने उन्हें आग लगा? मैं साक्षी था, वहाँ आम के बाग में आम तोड़ रहा था और मेरे सामने का किस्सा है सर। आपके सामने आग लगा? हाँ, दी बिल्कुल। और ये सब जानबूझ के लगाई गई है, क्योंकि इनके खेत में तो कुछ है नहीं और हमारे में बाग बाग खड़े हो, सारा नुकसान हमारा ही हुआ और ये हमारे साथ ही हुआ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बलदेव सिंह है। ये जो कौन से गांव के रहने वाले? हकीमपुर शकरगंज। ये जो आम के बाग में आग लगाई है, कौन लोग हैं ये? ये एक तो राजीव है, एक अंकित है और एक अमित। थाने में तहरीर दे दी आपने? हाँ, दे रखी नाम।